हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज कास्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक प्रिंटर है, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कवर को खरीदा था जिसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वो डिटेल सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यह है प्रिंटर का कवर। अगर आप अपने प्रिंटर को डस्ट से, ऑयल मार्क से, वाटर स्पिल से, स्क्रैचेस से, क्रैक से, इंसेक्ट से, यूवी रेज से, मॉइस्चर से, हेयर से, इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के कवर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्रिंटर का लाइफ टाइम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। धूल ऐसा एक चीज़ है जिससे कि प्रिंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो एक यूजफुल चीज़ है प्रिंटर के लिए। तो यहाँ पे जो कवर आप देख पा रहे हैं, ये कैनन का जो पिक्समा सीरीज में G2000 सीरीज का इंक टैंक प्रिंटर है उसके साथ कंपैटिबल है, क्योंकि मेरे पास कैनन का G2010 इंक टैंक प्रिंटर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खरीदा था। इसको मैंने अमेजोन पे 279 रुपीज़ से परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन भी होते हैं। अगर आपके पास दूसरे कोई भी ब्रांड का प्रिंटर या किसी भी मॉडल का प्रिंटर है उसके हिसाब से भी आपको कवर्स मिल जाएंगे। अब इस कवर को देखते हैं, यहाँ पे आप इसका मटेरियल भी देख पा रहे हैं, ये एक पीवीसी मटेरियल है। अब इसको ओपन करके भी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इनसाइड और ये है इसका आउटसाइड। एक नायलन कोटेड फैब्रिक है, ये अच्छा क्वालिटी का क्लॉथ है ये। और यहाँ पे देखिए बॉटम पे इलास्टिक दिया गया है चारों तरफ, आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटमेंट के लिए। और यहाँ पे इसका जो इनसाइड स्टिचिंग है वो भी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टिचिंग अच्छे तरह से किया गया है चारों तरफ। और इसका डिजाइन भी अच्छा है। और इसका जो कलर है ये डार्क कलर का है, आप इसको डार्क ब्लू कलर भी कह सकते हैं। इसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं ड्राई एंड वेट क्लॉथ से। इसको आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं पानी के साथ। वॉशिंग करते वक्त आप इसके ऊपर ब्रश को ना अप्लाई करें तो अच्छा है। और इस कवर में और भी कुछ मॉडल के कवर्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा एडेड फीचर्स दिखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस का डिफरेंस भी मिलेगा। और जहाँ पे आपको कुछ फीचर्स कहूँ तो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी पॉकेट्स का फीचर मिलेगा, जहाँ पे आपको ऊपर के तरफ एक पॉकेट, लेफ्ट साइड में एक पॉकेट, राइट साइड में भी एक पॉकेट दिखने को मिलेंगे। ऊपर के पॉकेट में आप डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट पेपर्स को रख सकते हैं। और राइट एंड लेफ्ट का जो पॉकेट है वहाँ पर आप पावर केबल, डाटा केबल, पेन ड्राइव, पेन, इस तरह की चीज़ों को रख सकते हैं। और भी कुछ मॉडल के कवर से जहाँ पे आपको नायलन थ्रेड दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इस कवर को टाइट एंड लूज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कवर को मेरा जो प्रिंटर है उसके ऊपर फिक्स करके देखते हैं। तो दोस्तों, यह है मेरा कैनन का G2010 इंक टैंक प्रिंटर। इसके ऊपर इस कवर को यहाँ पे फिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कवर और प्रिंटर का कॉम्बिनेशन। अब इस कवर का डाइमेंशंस भी हम यहाँ पे चेक करते हैं, इस कवर का लेंथ चेक करते हैं, इस कवर का विड्थ चेक करते हैं और इस कवर का हाइट भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक टेप है, तो इस टेप से सेंटीमीटर वाइज इस कवर का लेंथ चेक करते हैं यहाँ पे। तो इस कवर का लेंथ है वो लगभग 47 सेंटीमीटर तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस कवर का विड्थ भी चेक करते हैं यहाँ पे, तो इस कवर का विड्थ जो है वो लगभग 34.3 सेंटीमीटर तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस कवर का हाइट भी हम यहाँ पे चेक करते हैं सेंटीमीटर वाइज, तो इसका हाइट है 14.8 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर का लेंथ, प्रिंटर का विड्थ और प्रिंटर का हाइट पहले टेप से मेजर कर लीजिए, उसके बाद वेब पेज में जो कवर का डायमेंशन दिया जाता है उस डायमेंशंस के साथ आपका जो प्रिंटर का डायमेंशन है उन दोनों को मैच करके देख लीजिए, टैली करके देख लीजिए, तब आप बिना प्रॉब्लम के आपका जो प्रिंटर का मॉडल है उसके लिए कवर खरीद सकते हैं।
यहाँ पे हर एक साइड और हर एक व्यू देखते हैं ये कवर इस प्रिंटर के साथ कैसे फिट हुआ है। तो टॉप व्यू आप देख पा रहे हैं ये अच्छे तरह से फिट हो चुका है यहाँ पे, और फ्रंट साइड में भी आप देख पा रहे हैं इस साइड में भी यहाँ पे अच्छे तरह से फिट हो चुका है ये कवर। अब इसका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे भी हम चेक करके देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में भी आप देख पा रहे हैं अच्छे तरह से फिट हो चुका है यहाँ पे भी। अब इसका जो राइट साइड है वहाँ पे भी चेक करते हैं, तो राइट साइड में भी आप देख पा रहे हैं ये कवर अच्छे तरह से फिट हो चुका है। अब इसका जो बैक साइड है वहां पे भी चेक करते हैं, तो बैक साइड भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी अच्छे तरह से फिट हो चुका है। अब इसका जो कॉर्नर्स देखिए, इस कॉर्नर्स पे भी अच्छे तरह से फिट हुआ है। अब फ्रंट साइड में जो कॉर्नर्स है वहां पे भी चेक करते हैं, तो फ्रंट साइड में जो कॉर्नर है यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस कॉर्नर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो कवर है इस प्रिंटर के साथ परफेक्टली फिट हो चुका है। आप इस कवर को प्रिंटर के ऊपर इजीली फिक्स भी कर सकते हैं और इजीली बाहर निकाल भी सकते हैं इस तरह। जब आप इस कवर को यूज नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त आप इस कवर को अच्छे तरह से फोल्ड करके कहीं पे भी रख सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटन है बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।